प्यार तारीख 6वां महीना 2017 की है, रात 8 बजे की, मोहल्ले की शशि सिंह पत्नी हरिपाल सिंह मोहल्ले के ही कुलदीप सिंह घर के पास हमको ले गई थी। प्रार्थनी के साथ कुलदीप सेंगर ने रेप किया, प्रार्थनी के साथ रेप किया। जब प्रार्थनी ने इसका विरोध किया तो हमको धमकी देने लगे कुलदीप सेंगर ने, कहने लगे अगर अपने घर में किसी को बताओगी तो तुम्हारे पूरे परिवार वालों को जान से मरवा के फेंकवा दूंगा। इसके भागीदार शशि और निधि और हरिपाल सिंह है। अच्छा, जब आपने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने कोई काम किया क्या सर? पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने कोई बहुत सारी रजिस्ट्री की है, बहुत सारा सब कुछ एक साल से कर रहे हैं। पुलिस कोई रिपोर्ट या FIR नहीं लिखती थी, हमको कैद देती थी। कोई FIR नहीं लिखती थी और हमके कैद देती थी, कहती तुम्हारी FIR नहीं लिखी जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपके पिता के साथ भी मारपीट हुई, वो क्या हुआ था, क्यों मारपीट की? घटना 3 तारीख के, वो तो हम तो वहाँ से सुने तो भागते हुए चले आए, अकेले किसी से नहीं बताया। वो तो हमारी बहन लोग जानती, मैं इतना जानती हूँ, अतुल सिंह ने, अरुण सिंह ने, विनीत सिंह ने, बहुआ, सैलू, सोनू, बहुत मारा। हमारे पापा को कुलदीप सेंगर ने मरवाया है, मरवाते कुलदीप सेंगर अपने अतुल भाई से मरवा डाला, असला और बंदूकों से बहुत मरवाया। लेकिन पुलिस को तो आप लोगों ने कंप्लेंट कुलदीप सिंह सेंगर के भाई का नाम भी लिखा था, फिर भी उनका नाम में FIR नहीं लिखी, ऐसा क्यों हुआ? यार उनका पुलिस ने FIR लिखी, लेकिन अरुण और कुलदीप अतुल सिंह का नाम वहाँ से हटा दिया, तहरीर बदला दी गई, नहीं कुलदीप सिंह पापा को उल्टा ही जेल आरोप लगा के झूठा, टिंकू सिंह ने झूठा असला लगा के हमारे पापा को जेल भेज दिया। 6 बजे से हमारे पापा वहाँ थाने में पड़े थे, उनको पुलिस नहीं ले गई अस्पताल, अगर पुलिस अस्पताल ले जाती तो हमारे पापा जिंदा रह जाते। अच्छा, क्या आपको लगता है सरकार है इसलिए आपकी बात नहीं सुनी गई? सरकार के आदमी और भाजपा की है इसीलिए नहीं सुनी जा रही हमारी। लेकिन पुलिस ने आपकी बात क्यों नहीं सुनी? आपने पुलिस को जो कंप्लेंट दी थी उसमें तो नाम लिखा, किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? हर अधिकारी से बात हुई, DGP से हुई, DIG से हुई, हर अधिकारी, हम तो योगी आदित्यनाथ जी से मिल के आए। मैं तो परसों फिर मिलने गई थी आदित्यनाथ योगी जी से, एक बार हम मिलके गए कि जाओ बेटा तुम्हारी एप्लीकेशन पुट अप कराया जाएगी, जांच होगी इसकी, कुछ नहीं हुआ इसका। जब आप आत्मदाह करने गए थे तब भी आश्वासन दिया था, क्या किसी अधिकारी ने अभी तक कोई जांच की है? अभी नहीं की है हमारे, अब परसों बोल रखा था कल कि जाओ तुम्हारी जांच होगी, हमारे पापा को सुबह तो खत्म हो गए। अच्छा, ये भी सुना जा रहा है कि जेल के अंदर उनको ठीक से इलाज नहीं मिला, कोई शक भी है किसी ने कोई गलत हरकत की हो? कुलदीप सेंगर ने, अतुल सिंह ने गलत हरकत कराई है जेल में, हमारे पापा को दवा इलाज कराने के लिए सख्त मना जेल में करवाया है कि इनको अस्पताल मत भेजो, इनको मर जाने दो। अच्छा, कहा ये भी जा रहा है कि जो जेल के अधीक्षक हैं और जो वहाँ के ठेकेदार हैं वो दोनों ही कुलदीप सिंह सेंगर के रिश्तेदार हैं, क्या ऐसा आप लोगों के नाल हुए हैं? सारी प्रशासन उन्नाव की उनके हाथ में है, जो कहती है वो ही करते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। कुलदीप सेंगर बाहुबली नेता है, विधायक है, उन्हीं की सब लोग सुनते हैं, हमारी लोगों की कोई नहीं सुनता है। हमारे चाचा तो दिल्ली में रहते हैं, कोई अपराध नहीं करते, यूपी से पुलिस जाती है उनको पकड़ने के लिए, उनके तो घर है, द्वार है, गाड़ी है, फैक्ट्रियां हैं, वो तो बिजनेस करते हैं, वो तो कोई अपराध नहीं करते, उनको गांव नहीं आने देते हैं, कहते हैं तू आओ, अतुल सिंह कहते हैं आओ, उनको धमकी देते हैं फोन में, आओ तुमको भी देख लूंगा, तुम्हारा भी निपटारा कर दूंगा, जब कोई रह नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे जिंदा रह के सर, हम क्या करेंगे? इस बीच क्या कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से कोई धमकी और आई? तो हम क्या करेंगे सर जिंदा रह के, हमको तो मर जाना ठीक है सर, हमको कोई न्याय नहीं मिला, हम तो एक साल से मारे मारे फिर रहे हैं, हम तो इधर उधर, कुलदीप सेंगर कहते हैं लड़की मिले तो इसको मार दो सारा काम खत्म हो जाए, लेकिन हम छिपे छिपे अपने चाचा के पास दिल्ली में रह रहे थे, हमने चाचा अपने पापा को सुना तो भागते हुए चले आए अकेले, किसी से वहाँ नहीं बताया। अरे सर, हमें कोई न्याय नहीं मिला।